إِنَّ مَجْمَعِينَ مِنَ الآن إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ صَلَّى عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. बिनते सैयद वसी रजा की साले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सलावत इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर. इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से सलावत भेजिए. इज़ाने मोहतरम में एक वजाहत जरूरी है कि उन्होंने सही फरमाया कि जो जरी से करीब मेंबर से होता चला जाएगा, जरी से करीब होता चला जाएगा. लेकिन मैं ये आपसे नहीं कहूँगा, मैं अपनी मजबूरी बयान कर रहा हूँ कि जितना आप करीब होंगे मुझे गुफ्तगू करने में आसानी हो जाएगी. तो मुझे ये आप जरा थोड़ा थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाएंगे तो इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, तो गुफ्तगू करने में मेंबर वाले को आसानी. बस ये मसला है. बाकी माशाल्लाह आप जहाँ भी हैं जरी करीब हैं, ये मेरा ईमान है इंशाअल्लाह. तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज से सलावत इनायत फरमा दीजिएगा. काफी मजालिस साले सवाब की पढ़ चुके हैं, आज कोशिश करेंगे कोई नया पहलू आपके सामने पेश कर दिया जाए. वसीयत इंसान अभी वालिदे, हमने इंसान को वसीयत की उसके वालिदैन के बारे में, यानी नसीहत की, हुक्म दिया. याद रखिए कि कुरान मजीद में जहां भी माँ बाप का इताअत का हुक्म आया है, इताअत का बाकायदा जब हुक्म आया है तो अल्लाह ने अपनी इताअत के फौरन बाद माँ बाप की इताअत का जिक्र किया है. दो तीन मकामात की तरफ मैं इशारा कर देता हूँ. बात सूरह बनी इसराइल, उस पर भी आप अक्सर मजा कि कज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से तुम पर ये हुक्म आया, यानी वाजिब किया गया. फुकहा इसका मतलब क्या निकालते हैं, वाजिब क्या सब जगह वाजिब. कज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना. वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ नेकी से पेश आना. सूरह बकरा 83वीं आयत, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, और ये तुमसे नहीं, हमने बनी इसराइल हमेशा के लिए अहद दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह समझ के उसकी इबादत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, और अपने वालिदैन के साथ नेकी से पेश आना. अब यहाँ वही परवरदिगार आलम वसीयत कर रहा है, फिर अब तुम्हारे लिए मैं वक्त बचा लूंगा. एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद. अच्छा वो मैंने देख लिया, मतलब चला जाता. एक बार और सलावत इनायत फरमाइए. अच्छा जनाब, इसमें आयत में भी आगे जिक्र है, लेकिन यहाँ शुरू इसके वालिदैन के बारे में. और वालिदैन में भी हमलत उम्मुहु वाहनन अला वाहनिन, उसमें भी खास तौर पे माँ का जिक्र किया जा रहा है. वो इंसान जो उम्मुहु वाहनन अला वाहनिन, पै दर पै वजन झेला उसको उठाया, जो इंसान को नहीं याद रहता. दो साल के बाद जब वो बाशऊर होता है तो वो भूल जाता है कि मैं कभी गोश्त का लोथड़ा था, अपने जिस्म पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं हटा सकता था, है ना, अपनी कोई ख्वाहिश बयान नहीं कर सकता था. ये माँ थी जो मेरी हर तकलीफ को मेरे रोने से समझ लेती थी. वो देहात की माँ हो चाहे वो शहर की माँ हो, डॉक्टर से पहले जो हस्ती अपने बच्चे की तकलीफ को समझती है उस हस्ती का नाम है माँ. लेकिन इंसान भूल जाता है ना, दूध फराब मोशे, उसे क्या मालूम कि किस तरह रातों को जाग जाग कर एक गरीब की माँ हो या अमीर की माँ हो. चलो अमीरों के पास वसाइल है ना, तो हमारी जो अक्सर आबादी तो माए बेचारे सीने से चिमटाए चिमटाए, एक वक्त वो आता है कि बाप भी गुस्से हो जाता है कि सुलाओ इसको, मैं थका हुआ आ रहा हूँ, चुप कराओ इसको मुझे. वो उस गोश के लोथड़े को चिमटाए चिमटाए चाहे उसे रात भर जागना पड़े जाएगा. और मैंने ऐसी माओं को भी देखा जो सीने से चिमटाए चिमटाए मजदूरी करती हैं सड़कों. देख भी माँ है ना, नहीं देते इन बातों को, लेकिन सोचे तो सही ना, कभी कभी तो माँ है ना जो ईंटें उठा रही है, तगारियां उठा रही है, मजदूरी कर रही है,
और या पीछे थैले में बच्चा लटका हुआ है बेचारा, या सीने से लगा हुआ बच्चा है ना माँ, इस माँ के लिए परवरदिगार आलम खास तौर पे देखिए, नहीं है ना बाकी मजालिस माशाल्लाह आप सारा साल सुनते रहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन ये मजालिस ऐसी होती है कि हमारे बच्चे बैठे हैं ना, जवान बैठे हैं, ये कुछ ना कुछ लेके जाए आज के माहौल में ना, लेके जाए, इनको मालूम हो कि माँ बाप की वक्त क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है अल्लाह और रसूल के नजर में। एक जुमला कहते चले जाए बात को आगे बढ़ाने से पहले कि बस यूं समझ लीजिए, में 12 बार 12 महीने ज्यारतों पे जाइए, हर साल हज कीजिए, कुछ भी कबूल होने वाला नहीं, ना अल्लाह कबूल करेगा ना मौला कबूल करेगा, वहां एक ही अपने माँ बाप का नहीं, मौला का कहां से हो गया याद। मैं बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूं आपसे, माँ बाप माँ बाप माँ बाप, और उनमें भी सबसे बड़ा मकाम किसका है, माँ का। हमला तो 2 साल हमने इसकी दूध छुड़ाई की मुद्दत, अपने खूने जिगर को दूध की सूरत में, हर एक के पास इतने वसाइल नहीं कि वो कीमती तरीन दूध लेके अपने बच्चों की परवरिश कर दे, इस्तेमाल होती है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कोई इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल करें, हमें आती भी नहीं है, लेकिन कोशिश समझा दिया जाए, काम करने वाली या खिदमत गुजार या जिसको कहते हैं वो मुरब्बिया कहते हैं उसको, नब्बे फीसद आबादी के पास तो ऐसा नहीं है ना, वो अपने खूने जिगर को दूध की सूरत में उसे पिलाती है, उसी से उसकी नशोनुमा होती है, उसी से हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से तवाना होता है, और उसी ताकत के साथ अपने माँ बाप पे झड़क झड़क के बात करता है, डांट डांट के बात करता है। और कुरान मजीद क्या फरमा रहा है, कुरान मजीद फरमा रहा है फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उनसे उफ तक ना करो। हमने देखा है ना बुढ़ापे में माँ बाप जवान औलादों से डरने लगते हैं कि बच्चा नाराज ना हो जाए, झड़क ना दे, डांट ना दे, हमें छोड़कर ना चला जाए, या कभी हमें ही निकाल चले जाए, सेंटर बन के जाके देख ली। मैं मिला हूं ऐसे मौजिज और बाइज्जत घरानों के माँ बाप से जो बेचारे पड़े रहे हैं, उनके औलादे जिंदा है माशाल्लाह, लेकिन रख नहीं सकते, एक हो जाता है ना, सिवाय इसके कि कोई मफादात हो तो सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बस कहने का मतलब ये है कि ये तो फिर आप तवक्को रखिए, बच्चे जो देखते हैं ना वो करते हैं, बच्चों को ये बात समझाने की जरूरत नहीं होती कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए, जब बच्चों के सामने आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे ना, ये हमारा तजुर्बा है, प्रैक्टिकल है, हम तो जानते हैं कि बच्चे किस तरह से जाने देते हैं अपने बूढ़े माँ बाप, यानी आखिर वक्त तक उनके बिस्तर से लगे रहेंगे, चाहे वो अस्पताल माँ बाप, बगैर किसी लालच, कोई जायदाद की लालच नहीं, कोई मकान का लालच नहीं, कोई बैंक बैलेंस का लालच नहीं, खालिस मोहब्बत कब आती है, जब बच्चे खुद देखते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, हमारे दोस्त ने ही हमें बयान किया था, बाहर सच है या झूठ है उनकी गर्दन पे, लेकिन वो खुद बताया हमें कि वो ये थे कि एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, यानी पूरा वाकया उन्होंने नकल किया, उनका अपना था ये किसी का था ये तो मुझे नहीं मालूम, मुमकिन है आपने भी सुना हो, लेकिन वो साहब उन्होंने ये किया कि माँ बाप की अचानक की बहुत ज्यादा बड़ी कयामत हो गई, बूढ़े बाप को रख दिया था उन्होंने तीसरी मंजिल पर, और घर में मुलाजिमीन जो थे नौकरों के हाथों उनको खाना भिजवा दिया जाता था, जाओ खा लो, खुद तो अपने टेबल पे खा रहे हैं ना, बच्चों के साथ खा रहे हैं पी रहे हैं मजे से, वो बूढ़ा बाप है वो डिस्टर्ब करेगा ना लाइफ, या उसको ऊपर कमरे में रख दिया, वो किसके जिम्मे, पैसा बहुत है ना रखी हुई है ना, वो खाना ले जा ले जाके उनको देते थे, ले जा ले जाके देते थे, एक दिन कह रहे कि हुआ ये कि बैठे थे टेबल पे, तो वैसे ही बातों बातों मैंने कहा भाई हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे ने फौरन कहा अब्बा मैं ऐसी कमरा बनवाऊंगा पर उधर आपको डाल दूंगा, एक नौकर रख दूंगा, वो आपको खाना पीना दिया करेगा। इतने से मासूम बच्चे की ये बात समझ में आ गई कि माँ बाप के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वो देख रहा है ना वो देख रहा, तो बस याद रखिए जो आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। एक छोटा सा और बात आपको, सलाम कितनी मामूली सी चीज है, सलाम अलैकुम कहना, आप तजुर्बा करके देखिए कि एक सलाम जो है ना वो बच्चों की तरबियत बता देता है,
सिर्फ आप उनको इतना सिखा दीजिए कि बेटा जब मोहल्ले का नजर आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, उसको सलाम तो कर लो। आजकल ये नहीं, गरेबान खुलावा चला जाएगा सीधा सीधा सीना ताने, क्योंकि वो समझता है अगर मैंने बूढ़े को सलाम कर लिया तो मेरी तौहीन हो जाएगी। अंदर सिखाया नहीं गया ना। किसी बुजुर्ग को सलाम कर लेगा, किसी आलिम को देख लिया, किसी बड़े बुजुर्ग को देख लिया, दानिश्वर को देख लिया, वो खतीब जा सलाम कर लेगा, वो क्या कहेगा जवाब? वो जवाब में कहेगा जीते रहो सलामत रहो। और ये जो वो जीते रहो सलामत, यकीन जानिए वो खुश होकर दिल से कह रहा हो। तो एक सलाम मुफ्त की दिल की दुआएं दिलवाता है, एक होता वैसे दुआएं। सिर्फ एक सलाम की बात कर रहा हूं कि जैसे ही बच्चा किसी बड़े को सलाम करता है बड़ा खुश हो जाता है। लोग भी कहते भाई किसका बच्चा है, फलां साहब का भाई, क्या तरबियत है माशाल्लाह। समझे मेरी बात? एक बच्चों को ये आदत डाल दीजिए कि बेटा जब घर से बाहर निकलो कोई बड़ा नजर आ जाए, बुजुर्ग नजर आ जाए, तो ये गुरूर की अलामत है। सलाम ना करना, जवाब देना तो वाजिब है ना, सलाम ना करना क्या है? गुरूर की। तो बच्चों को एक सिर्फ एक सलाम करना सिखा, सिर्फ एक सलाम के जरिए से आपके बच्चों को दुआएं दे रहा है, दिल से वो दुआ देता है। उस वक्त वो बड़ा जो है वो दिल से खुश होकर दुआ देता है, वो खुश होकर जो दुआ दी जाती है वो दिल से दी जाती है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए बात को आगे, तब समझ में आए कि मां कौन है जो इस गोश के लोथड़े को चिमटाए चिमटाए फिर रही है। माँ बाप का शुक्र कैसे अदा करूं? जल्दी से एक बात आपको बता के चले जाए। देखिए दो लफ्ज है कुरान में, एक है शिर्क एक है शुक्र। तीन हर्फ वही है ना, शीम रे काफ, एक जगह काफ बीच में है एक जगह रे बीच में है, ऐसी है ना शिर्क और शुक्र। नहीं समझ पाते वो शुक्र के मौकों को भी शिर्क में डाल देते हैं। अरे भाई शुक्र कैसे किया जाए ये तो बताओ, माँ बाप का शुक्र कैसे अदा करूं? क्या मैं हर वक्त कहता रहूं अब्बा आपका शुक्रिया, वालदा साहब आपका शुक्रिया? ये नहीं, याद रखिए हम्द जबान से होती है, शुक्र अमल के जरिए होता है। जबान से भी होता है जाहिर है कि आप अगर कोई आपका काम आ जाए तो जो जबान से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन शुक्रिया के लिए शुक्रिया आम है, हम्द खास है। हम तो जो है वो सिर्फ जबान से होगी और शुक्रिया आम है, यानी जबान से भी होता है और अमल के जरिए। मैंने अर्ज कर दिया ना कि हर वक्त आप शुक्रिया शुक्रिया तो नहीं कर सकते, नहीं, इस तरह का इंसान अमल अंजाम देता है कि वो शुक्र में शुमार हो जाता है। चलिए हम उस्ताद से मिसाल देते हैं, फिर माँ बाप खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। उस्ताद का हाथ चूमना शिर्क है या शुक्र है? शुक्र है ना भाई। हर जगह जो शिर्क का नारा लगाते हैं यकीन जानिए मैं जानता हूं, बल्कि वो खुद भी एतराफ करते हैं कि अब उनके अपने उस्ताद के हाथ को बोसा देते हैं, अपने उस्ताद के पैर को हाथ लगाते हैं, अपने उस्ताद के घुटनों को हाथ लगाते हैं। दुनिया का कोई मुफ्ती फतवा नहीं लगा सकता कि ये शिर्क है, कोई नहीं लगाता, है ही नहीं शिर्क। जानते ना क्यों? ये शुक्र का एक अंदाज है कि इसने मुझे तालीम और तरबियत से आरास्ता किया है, लिहाजा इसका शुक्र यह है कि जब ये सामने आए तो इसके सामने झुक जाओ, इसके घुटनों को हाथ लगा लो, इसके पैरों को हाथ लगा लो, कोई शिर्क नहीं हुआ। इसके हाथ को बोसा दे दिया, शिर्क हुआ? नहीं हुआ ना। बस याद रखिए क्यों माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब जन्नत है अगर उस पैर को चूमेगा तो ये शिर्क होगा या शुक्र होगा?
कोई नहीं कह सकता बाप के हाथों को चूमे, बाप के कदमों को चूमे, कहां से शिर्क हुआ? ये क्या होगा शुक्र? चलिए मिसाल दे देते, अपनी यहां से नहीं वहीं से दे देते, उसी पे इंशाल्लाह खत्म करेंगे। 250 साल से हमारे बिरादरान किया राइज है ये किताब, उसमें जहां सवाल किया गया है माँ बाप के हक में, तो याद रखिए ये है इज्तिहादी किताब। इज्तिहादी किताब से मुराद ये होती है कि आने वाले जमाने में या दूसरे जब कोई मसला बताते उस किताब का कि फतवाए काजी खान में ये आया है, दलील के तौर पर जो किताबें पेश की जाती है ना, जैसे हमारे मुज्तहिदीन जब कोई फतवा देंगे तो भाई ऐसे नहीं दे देते जैसे आप होता है भाई, अल्लाह के बंदो पीछे क्या होता है? पूरे दलाइल होते, पूरे इस्तिदलाल के साथ, जिसे फिक्ह इस्तिदलाली भी कहते हैं, लेकिन लोगों की ज्यादा जो कहते रहे उनकी मर्जी। तो फिक्ह इस्तिदलाली जैसे शेख मुर्तजा अंसारी का हवाला आज तक दिया जाएगा, अल्लामा हिल्ली का हवाला आज तक दिया जाएगा, समझ में आ रही? इस्तिदलाल जो पढ़ता है उसे मालूम, मतलब जैसे पीएचडी आप में से कोई किसी सब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पर जनाब उसने इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत होती है ना, उसके किसी एक शोबे में, मतलब किसी एक शख्सियत पर भी पीएचडी होता है ना, शेक्सपियर पे उसने मतलब पीएचडी कर लिया, तो भाई वो शेक्सपियर का माहिर है ना। ये पीएचडी लिहाजा वो हर मैदान में, अब दीन पर भी बात करें भाई बहुत काबिल आदमी पीएचडी है, भाई वो पीएचडी है, उर्दू अदब में होगा, तारीख में होगा, कब तो हो गए ना, हजारों से भी ज्यादा होंगे, लाख के ऊपर पहुंच गए होंगे, उसमें कर रहा है ना भाई वो, ये तो उसकी फील्ड नहीं, वो उसमें फतवा दे सकता है। इकबाल पर आज तक हजारों पीएचडी कर चुके और अलग अलग पहलू से सबने किया ना, अलग अलग पहलू, बिल्कुल अलग, उनका ये, उनका ये, इकबाल का इरफान, इकबाल का ये, इकबाल का वो, इकबाल की खुदी, ये सारी चीजें इकबाल के, उसमें माशियात, वो एक उस अपने सब्जेक्ट का पीएचडी ना मेरे भाई। लेकिन दीन वो मजलूम चीज है कि जिसमें हर कोई तबा आजमाई करने की कोशिश करता है, भाई दीन का काम भी उसी को छोड़ दो ना। अच्छा पाबंदी चले जाइए कर लीजिए, जाइए मना किया किसी को मना नहीं, अरे सबके लिए खुली फील्ड है जैसे सारी फील्ड है, लिहाजा फिर इंसान को खुद जहनी तौर पर फैसला करना चाहिए कि भाई बात यह कि जो इस चीज का माहिर होगा उसी से। काजी खान में सवाल आया, एक सवाल किया गया तो उन्होंने जो दलील दी माँ बाप की, उन्होंने माँ इसके माँ के कदमों पे सजदा करूं या नहीं, सर रखूं या ना रखूं, चूमूं के ना चूमूं, सवाल ये है चूमूं के ना चूमूं, क्या करूं के ना, माँ बाप मर गए मेरे माँ बाप उनसे तवसुल करूं के ना करूं, तो वो दलील में लिखते वाकया लिखते हमारे यहां ये वाकया, परेशान था और उसने आकर अपना ख्वाब बयान किया, और ख्वाब ये बयान किया कि अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत कर रहा हूं और हुरुल ऐन की पेशानी को बोसा दे रहा हूं, अजीब ख्वाब है मेरा, जन्नत की चौखट पे दरवाजे पे सजदा कर दे, बच्चे सुन रहे हैं ना मेरी बात बेटा, आप लोगों को बच्चों को बता रहा हूं बेटा मैं सारी बातें, याद रखना कोई अमल काबिल कबूल नहीं जब तक माँ बाप राजी हो, माँ बाप से कभी अकड़ के बात ना करो, माँ बाप का भी फर्ज है, खुदा के बंदो इतने भी आजाद ख्याल ना हो जाओ कि हम अपनी तहजीब को ही भुला बैठे, हम हमारी हालत होगी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे ना, पूरे मगरिबी हो पाते, उन्हीं लोगों की शनाख्त होती है जो अपनी तहजीब को बाकी रखते, हमारी इतनी अच्छी तहजीब है भाई, अपनी तहजीब, कुछ चीजें दीन में नहीं है लेकिन तहजीब में तो है ना, अपनी तहजीब की तो दिफा कीजिए ना, जो अदब आदाब की तहजीब थी हमारी उसको तो बचाइए ना, वो उसी बचेगी जब आप बच्चों को सिखाएंगे। आइए अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे ये जाओ वो उसका मुंह लटक गए आने वाले ने, मां के कब्र के पैताने को बोसा दो, बाप के सराने को बोसा दो, फिर उसका मुंह लटक गया, अल्लाह के रसूल वो तो जमाने जाहिलियत में, मैं तो इधर आ गया, कहा तो जा घर जा। अब सुनिए ये फतवा काजी खान से दलील आपको लाके दे रहा हूं, घर जा, घर जाके दो लकीरें खींच, दो खत खींच, दो खत, एक खत को मां की कब्र करार दे, एक को बाप की कब्र करार दे, जिसे मां की कब्र करार, जिसे बाप की कब्र करार दे उसके सरहाने को बोसा दे, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
अब समझ में आई बात, बस उनकी दलील यहां खत्म हो गई, हमारी हो गई। जब वो मुर्दा माँ बाप जो हालत कुफ्र में मर गए, जिनकी कब्रों का पता नहीं, उनका हिसाब अल्लाह के साथ, लेकिन ख्वाब देखने वाले को अल्लाह का रसूल बशारत दे रहे, जाओ कब्र नहीं है तो शबी बना लो, कहेंगे ना तो शबी बन गई कि नहीं बन गई, बनी ना शबी, शबी बना दो और वहां जाके सजदे करो। तो अब समझ में आई बात कि बस ये है दुनिया के माँ बाप, ये हमारे सबके जिम्मेदार ठहराए गए हो, बस उनके रोजों में जाके अल्लाह के शुक्र का सजदा करना शिर्क नहीं होता, शुक्र खुदा हुआ करता। एक सलवात है, समझ में आई बात कि हम जो करते हैं तो इस यकीन और इत्मीनान के साथ करते हैं। हाँ, फिर मैंने अर्ज किया कि इबादत सिवाय अल्लाह के किसी की नादानगी में कभी कभी बेहतियाती कर देते, चाहे तकरीर का मैदान हो, चाहे शायरी का मैदान हो, नहीं ऐसी बेहतियाती नहीं। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, शायर भी इतने पढ़े लिखे होते थे माशाल्लाह कि वो जान अंबिया हो या आइमे तहरीर, ये किस लिए आए थे? अल्लाह का बंदा बनाने के लिए। इनसे मोहब्बत का सबब क्या है? क्योंकि यही राह मुस्तकीम है, यही सिराते मुस्तकीम। वाजिब आइमे तहरीन का माँ बाप से भी ज्यादा शुक्र वाजिब। तो हमारी सारी इबादत इस दायरे में होनी चाहिए कि परवरदिगार तेरा, तूने हमें मोहब्बत अली और औलाद अली पर पैदा किया है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, तमाम करते तमाम करता रहेगा। आज आप जानते हैं ना कि सुबह जो वाकया हुआ है, कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर कीजिएगा कि आज रात कम से कम 40 बार सूरह फील की याद रखिए। ये मुंह तोड़ जवाब वही दे सकता है जिनकी रगों में हुसैनी खून दौड़ता है। बात मरने वरने की नहीं है, मैं कोई आपको बशारत देने नहीं आया, खुशखबरी सुना, बात मरने की नहीं है। सारी दुनिया मिलकर हमला कर दे कर दो, लेकिन फर्क तो कयामत तक बाकी रहेगा ना कि सर झुकाने वाले और हैं, सर नैजों पे चढ़ाकर जिंदा रहने वाले और हैं, जिनके सर नैजों पर बुलंद कर दिए जाए। हुसैनी कभी सरेंडर नहीं करते, हमेशा मैं मेंबर पर बैठ रहा हूं, हुसैनी कभी सरेंडर नहीं करेगा यजीदी ताकतों के सामने। आज सारी यजीदी ताकतों को पैगाम गया कि 56 एक तरफ हैं, या यूं कहूं कि 39 दिन वाले एक तरफ हैं, 40वें दिन वाले एक तरफ हैं। तुम्हारा अब तक अब तुम्हें पता चलेगा कि 40वें दिन वाले कौन हैं। और आज जो मिसाइल मारा है ना, उसका नाम भी खैबर है। या तो पुरजोश रहो, कुछ नहीं कर सकती सारी दुनिया। करबला से लेकर आज तक क्या बिगाड़ दिया हमारा? हमारा मरना शिकस्त नहीं है, हमारा सर झुकाना शिकस्त होता है। सर झुकाने वालों के हिस्से में जिल्लत ही जिल्लत आज भी आ रही है, हमेशा आएगी। और जो सर उठाकर जीने वाले, छोटे छोटे से करो, आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे हैं। क्यों? मौत से नहीं डरते, यौन को डरा सकते हैं जो मौत से डरते हैं, उन्हें नहीं डरा सकते जो मौत से नहीं डरते हैं। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, जंग खत्म नहीं हुई, बराइएगा मत, डरिएगा मत। अगर हुसैनी हो, अब वक्त आया इम्तिहान का। अब जिसको कहते ना, मैं कोई जमाना तायुन नहीं करा, लेकिन अब अलामात जाहिर होने हुई हैं कि कौन कौन से लश्कर अब तकसीम होते जा रहे, लकीर खींचती चली जा रही है। हक एक तरफ होता जाएगा, बातिल एक तरफ होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। बस मैंने जैसे अर्ज किया, इतना भी नहीं कर सकते तो सूरह फतह की तिलावत कीजिएगा,
इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम दुआए जोशन सगीर पढ़िएगा अपने उन मुजाहिद भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया तुम सबको डरा सकते हो, हुसैन वालों को नहीं डरा सकते, अली वालों को नहीं डरा सकते। इंशाअल्लाह परवरदिगार उन तमाम मुजाहिदों को फतह इनायत फरमाए जो इसराइल और इन शैतान बुजुर्ग अमरीका के खिलाफ इनके खिलाफ मैदान अमल में परवरदिगार हमें इतनी जिंदगी दे के अपनी आंखों से इसराइल के नासूर को खत्म होते हुए देखें। इलाही आमीन। सलावत भेजिए मोहम्मद। मेरे सामने एक नजरों में एक वाक्य आ गया, मैं आगे मसाइब पे एक वाक्य एक माँ का वाक्य बताना चाह रहा हूं जिसका बेटा खून में गलत सामरा का दिफा करते हुए सामरा में लड़ाई की गई। इराकी माँ का बेटा जवान कड़ियल जवान मुहर्रम के अय्याम थे बल्कि पहले अशरे के अय्याम थे। यकीनन आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो बहुत पूरी दुनिया में वायरल हुआ था चंद साल पहले जब वो आज़ादी आज़ाद करा रहे थे ना सामरा को इन खबीसों से। उस वक्त मैं अपने बेटे को देखा पेशानी को बोसा दिया और कहती है मैं तुझे जरूर रहूंगी मैं तेरा मातम भी करूंगी लेकिन अभी मैं जा रही हूँ हुसैनिया हुसैनिया नहीं इमाम बारगा हुसैनिया आप जानते हैं वहाँ हुसैनिया के अभी मैं हुसैनिया जा रही हूँ जहरा के बेटे का मातम करने के लिए। ये है शिया समझ आई। इसे कहते असली शिया। कहते मैं तुझे जरूर रोकूंगी मैं तेरा मातम भी करूँ लेकिन पहले मैं जा रही हूँ हुसैनिया वहां जहरा के लाल का मातम करूंगी जहरा को उसके बेटे का पुरसा दूंगी। फिर ये माएं होती हैं जो ऐसे सुपुतों को जन्म देती हैं जो शैतानों की आंखों में आंखें डाल। ये माएं पैदा ना होती अगर करबला की माएं ना होती। जाने की कोशिश करूंगा इस मां को इस बीबी को जिसके वरसा ने आज मजलिस का एहतमाम किया है उनको बेहतरीन और इससे ज्यादा क्या इसाले सवाब पहुंचो किस मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस में करबला की माओं का जिक्र करता हूं दो तीन मिनट बस इससे ज्यादा नहीं। शबे जैसे गश्त कर रहे और जाहिर खेमों के करीब करीब है और खेमों के अंदर की गुफ्तगु की आवाजें भी आ रही हैं। क्या होगा माए अपने बच्चों से कह रही हूं कि बेटा किस मुश्किल में आ गए मौका मिलता नहीं चले जाते हम भी इस मुश्किल में फंस गए अपने बच्चे को कैसे बचाऊं अपने बेटे को। कहीं कोई माँ अपने शीरखार से कह रही थी झूले को पेंग देते देते कह रही होगी और रोती जाती थी काश अली असगर तू इतना बड़ा होता कि तलवार उठा ले। और जहरा के लाल पे तुझे कुर्बान कर देती। आगे बढ़े आगे बढ़े एक और खेमे में कोई माँ अपने बच्चे से गुफ्तगू कर रही है मेरे बेटे कासिम मुझ बेवा की लाज रख ले सुबह अपने चचा पे सबसे पहले कुर्बान हो जा। और वो बेटा कहता है मादरे गिरामी बस इजाजत दिलवा दीजिएगा आप इजाजत दिलवाइएगा फिर देखिए किस शहसवार का बेटा मैं किस हसन का बेटा हूं। आंखों में अश्क आ गए हुसैन की। आगे बढ़े एक और खेमे में जानते हैं ना सानिया जहरा का मंजर तो लिखा है ना मकातिल ने फिजा ने नकल किया किसने नकल किया कि दोनों शहजादे लेटे हुए हैं दाएं बाएं और दरमियान में उनकी मां बैठी एक हाथ मोहम्मद के सीने पर है एक हाथ औन के सीने में और दोनों बच्चों ने अपनी माँ के एक हाथ को थामा हुआ है और माँ कह रही है मेरे बच्चों देखो तुम्हारे बाबा होते ना तो अपनी दो जहरा मेरी माँ जहरा के सामने ये इतना बड़ा लश्कर देख रहे हो ना ये तुम्हारे मामों पर हमला करने के लिए जमा हुआ है कुर्बान हो जाओ मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। और दोनों बच्चे कह रहे हैं मादरे गिरामी इत्मीनान रखें बस इजाजत दिलवाना आपका काम और मैदान जंग में बद्र उहद के नक्शो निगार खींच देना हमारा काम। मां खुश हो देखो बेटा
खबरदार पानी के नजदीक मत जाना, मालूम है ना सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। बच्चों ने हामी भरी, उनका कोशिश करना पिसरे साथ को कत्ल कर दो, ये सरदार है कत्ल होगा, जंग खत्म हो जाएगी, मेरा भाई बच जाएगा। रोते हुए हुसैन आगे बढ़े, ये खेमा जिसमें कोई बीबी रो रही है और कोई जवान अपनी तलवार को सैकल कर रहा है, समझ गए ना आप, शहजादी उम्मे कुलसूम। और वो जवान कहता है, आकाजादी ये गुलाम जिंदा है, किस लिए आपकी आंखों में। वो शहजादी कहती है कि सुबह सब अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे, मुझ दुखियारी के पास तो कुछ भी नहीं। जवान दो जानू होकर बैठा और तलवार कदमों में रख दी कि शहजादी ये गुलाम किस दिन, कल आशूर के दिन अब्बास आपकी तरफ से हदिया हो जाए। अब्बास कौन है जानते हैं, बस दो जुमले मजलिस खत्म। जानते कौन, उम्मुल बनीन किसी की बात पे यकीन नहीं करती थी कि हुसैन कत्ल कर दिया गया, क्या खबर नहीं आई थी, आ गई थी आशूर के दिन, आ गई थी जब खाक के करबला सुर्ख हो गई थी, वो शीशी में रखी हुई खाक मालूम नहीं हो गया था जनाब में सलमा, सलमा को क्या परिंदा अपने खून तायर अपने परों को खून में रंगीन करके गुंबदे सब पर आकर नहीं बैठा था मस्जिद नबी के, बैठा था मालूम था, लेकिन उम्मुल बनीन यकीन नहीं करती थी, वो हमेशा एक ही बात कहती थी, हो ही नहीं सकता मेरा बासा। लेकिन रज़ादारों जब बशीर ने आके निदा दी और जब वाकया मालूम हुआ उम्मुल बनीन को, तो उम्मुल बनीन बस बकी के दरवाजे पे एक ही मरसिया पढ़ती थी, जब कोई काफिला आता था इराक, एक ही मरसिया पढ़ती थी, कोई तो बताओ मुझे मेरे बेटे की जंग का हाल बताओ, ये है माँ अब्बास की, कोई तो बताओ, मैंने सुना है जब मेरा शेर हमला करता था कूफी शामी उसके आया, जब उसके बाजू ना थे मैं तो जब जानती मेरे शेर के बाजू होते कोई उसे घोड़े से गिरा देता। आराने हुसैन एक ही शहीद है करबला में जो इस तरह से घोड़े से यानी बुलंदी से बस्ती की तरफ आया था, उसके हाथ न थे, उसके जिस्म पर तीरों की मेबर तीरों का मेबर सा हुआ था, बेशुमार तीर पेवस थे, सर पे गुर्ज का वार था, आंखों में तीर थे, अब्बास जब जीन से अब्बास के जिस्म अथर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।